हाय फ्रेंड्स, क्या आप हमेशा अपने आप को जज करते हैं? छोटी सी गलती पर भी अपने आप को पनिश करते हैं, नैग करते हैं? तो आपको ज़रूरत है बात करने की सेल्फ कंपैशन के बारे में। मैं स्वागत करती हूँ आपका आज संपूर्ण मी के इस एपिसोड पे, जहाँ पर मैं आशु जॉन, प्रिंसिपल सेंट मैरीज क्रिश्चियन स्कूल एंड फाउंडर डायरेक्टर अहान फाउंडेशन, आपको बताऊँगी कि सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करने से हम लाइफ में कैसे और क्या अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले बात करूंगी माइंडफुलनेस के बारे में। माइंडफुलनेस का मतलब होता है माइंड प्लस फुल प्लस नेस। मतलब आप कोई भी चीज़ करें, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एंडेवर, कोई भी एफर्ट, कंप्लीट माइंड बॉडी एंड स्पिरिट की एनर्जी आप उसमें लगाइए एंड यू विल बी कंप्लीटली माइंडफुल अबाउट द थिंग दैट यू आर डूइंग। दूसरी चीज़ आती है सेल्फ काइंडनेस। हम हमेशा दूसरों से काइंडली बिहेव करते हैं, प्यार से उनसे बात करते हैं, अगर गलती भी हो जाती है तो उनको नैग नहीं करते। प्रैक्टिस सेल्फ काइंडनेस। जैसा आप दूसरों के साथ काइंडली रिस्पेक्टफुली बिहेव करते हैं, वैसा ही खुद के साथ काइंडली और रिस्पेक्टफुली बिहेव कीजिए। अगली चीज़ आती है ह्यूमैनिटी की। वी आर ऑल ह्यूमंस एंड ऑब्वियसली ह्यूमंस हैव द राइट टू मेक एरर्स। तो अगर आपसे भी कभी गलती हो जाए तो अपने आप को नैग मत कीजिए, पनिश मत कीजिए, बल्कि अपोलोजाइज करके दोबारा एक बेटर एफर्ट के साथ उस चीज़ को टेकअप कीजिए। डोंट फर्गेट दैट यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ द होल यूनिवर्स। आप जैसा अपने आप को ट्रीट करेंगे, वैल्यू करेंगे, दूसरों की आइज में भी आपकी वैसे ही इमेज बिल्डअप होगी और वो भी आपको उसी तरीके से वैल्यू करेंगे और ट्रीट करेंगे। टॉकिंग अबाउट सेल्फ लव रिचुअल। सेल्फ लव, जैसे आप दूसरों को प्यार करते हैं, दूसरों के सोने का, उठने का, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, उसी तरह खुद को भी आप ये प्यार दिखाइए। समय पर खाइए, टेक अ बैलेंस डाइट, एडिक्वेट स्लीप लीजिए, 6 से 8 घंटे की स्लीप बहुत ही ज़रूरी है, एक्सरसाइज कीजिए और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। दिस इज़ कॉल्ड द सेल्फ लव रिचुअल। मत भूलिए कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, आप दूसरों तक वो प्यार नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर आप खुद ही डिससैटिस्फाइड हैं, स्ट्रेस्ड हैं अपनी लाइफ से, अपने आप से आप डिसअपॉइंटेड हैं, तो दूसरों से आप कैसे प्यार जता पाएंगे, कैसे आप उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर पाएंगे। सो मेक श्योर दैट यू स्टार्ट डेवलपिंग अ सेल्फ लव रिचुअल एंड फॉलोइंग इट रिलीजियसली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस रिगार्ड इज सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल, एप्रिशिएटिव पीपल। आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, मेक श्योर दैट दे आर पॉजिटिव, दे हैव अ पॉजिटिव थिंकिंग। वो हमेशा आपको छोटी बड़ी जैसी भी चीज़ें हों उसके लिए अप्रिशिएट करते हैं, हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं टू रीच फर्दर गोल्स, हायर गोल्स इन योर लाइव्स। अगली बात आती है सेल्फ एक्सप्रेशन की। जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, दूसरों से शेयर नहीं करते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है व्हाट आर यू गोइंग थ्रू, आपके मन में, आपके माइंड में, आपकी फैमिली लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस हैं, एंड विदाउट नोइंग उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत बढ़ जाती हैं। मेक श्योर दैट इफ़ यू आर फेसिंग एनी चैलेंजेस, एनी प्रॉब्लम्स, यू आर शेयरिंग विद योर नियर एंड डियर वंस। कीप देम ऑन द सेम पेज, उनको अपने बारे में बताइए ताकि वो आपको जब रिक्वायर्ड हो वैसा सपोर्ट प्रोवाइड करा सके। So that was all that I had to speak today about self-compassion. आशा करती हूँ कि इन सारी चीज़ों को आप अपने lifestyle में imbibe करेंगे and बहुत प्यार करेंगे अपने आप से, and ताकि आपकी family भी उतना ही प्यार आपसे receive कर पाए। Thanks for watching me.